subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से हम मीडिएशन पर डिस्कस कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल्स के साथ में, और बहुत जबरदस्त हमें रिस्पांस आ रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है मीडिएशन का, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और जैसा हमने पिछली बार कहा था कि आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, काफी हमें सवाल आए हैं व्यूअर्स के, अलग अलग एरिया से आए हैं, और सब कुछ ना कुछ मीडिएशन के उनके जो पर्सनल इश्यूज है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उन पे मीडिएशन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है। मैं बहुत खुशी है मुझे कि हमारे जो एपिसोड पिछली बार हुए हैं और हमने कुछ कुछ पैनलिस्ट को बुलाया था, आज वो सभी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो आज आप सबके जवाब देंगे सवालों के। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे पैनलिस्ट से। सबसे पहले तो ऑफकोर्स एडवोकेट कृष्णा ठक्कर जी, जो हमारी परमानेंट यहाँ पे एक्सपर्ट हैं और बेसिकली शो असल में जो चला रही हैं, एंड ऑफकोर्स फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर है एमपी ठक्कर एसोसिएट्स की, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये केस में तो एक्रेडिटेड मीडिएटर है एंड सर्टिफाइड आर्बिट्रेटर। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके शो में। थैंक यू। और दूसरे जो हमारी पैनलिस्ट हैं उनसे मिला दूं, एडवोकेट शिल्पा शरद, ये लॉयर एंड एक्रेडिटेड मीडिएटर है एंड शी इज फ्रॉम बैंगलोर। शिल्पा मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। साथ में है हमारे पास है पिछली बार जो हमारे साथ पहले एपिसोड में साथ में आए थे, प्रसाद बर्जे जी, हु इज अ डायरेक्टर इन स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पुणे, एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड एक्रेडिटेड मीडिएटर भी हैं, यानी बैंकर जिन्हें मीडिएशन बहुत पसंद आया और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। एंड ऑफकोर्स हमारे साथ है आशुतोष भीसे साहब, जो कि आर्किटेक्ट है एंड ऑल्सो ट्रेन मीडिएटर, एंड ये हमें एक नया इसमें पर्सपेक्टिव देंगे कि किस तरह से रियल एस्टेट वगैरह के जो क्वेश्चंस है सर आपसे भी हम पूछना चाहेंगे सर। एंड वी ऑफकोर्स हैव मिस गंदा साहू, जो कि पूना से हैं एंड लॉयर एंड एग्रीगेटेड मीडिएटर, और बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है इस फील्ड में एंड करती जा रही है। पिछली बार भी हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ी थी, बहुत अच्छा उनके इंसाइट्स मिले थे। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है लीगल अफेयर्स में मीडिएशन, और ये स्पेशल एपिसोड हम जो कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं, जो उनके जो सवाल आए हैं और उसके हिसाब से हम ये कर रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा जो हमारे सवाल है कृष्णा जी से। कृष्णा जी, पहला जो सवाल है ये मिसेस समीर दास का आया है हमारे पास, ये वाशी से है। इनका कहना है कि इन्होंने अपना जो फ्लैट था ये 55 लाख में एग्री किया था इन्होंने सेल करने के लिए एक मिस्टर चौधरी को, और दोनों ने एमओयू भी साइन किया इस पर, एंड एमओयू के हिसाब से चौधरी जी ने इन्हें 3 लाख रुपए दिए टोकन मनी, 1 लाख का कैश में दिए और 2 लाख उन्होंने चेक में दिए। अब जैसे कि सभी जानते हैं कि कोविड के चलते कुछ टाइम हो गया, एंड उनका कहना है कि अब उन्होंने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया है और वो अपने रेसिडेंस चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, एंड ही वॉन्ट्स टू सेटल, अभी भी यहीं पे रहना चाहते हैं, फ्लैट बेचना नहीं चाह रहे हैं। ऑब्वियसली चौधरी साहब को ये पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या ये जो क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुका है पैसे वगैरह का, मीडिएशन में कुछ पॉसिबिलिटीज की? You mean to say the buyer is not ready to buy it out anymore? That's what you mean? Buyer doesn't want to buy it. Seller ने ही change कर दिया। चौधरी, okay, वो नहीं करना चाहते। Seller ने plan change कर दिया, वो नहीं बेचना चाह रहे हैं। पैसे ले चुके थे टोकन मनी, बट अब वो नहीं बेचना चाह रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि क्या मीडिएशन में कुछ पॉसिबल है कि बायर से कुछ समझौता हो सके, क्या बायर मानेगा? डेफिनेटली हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ही इज बैकिंग आउट, ऑब्वियसली उनको पूरी तैयारी होगी कि वो उनको पैसे जो 3 लाख लिए हैं वो वापस करने होंगे, एंड हो सकता है कि जो बायर हो
वो भी बेचारा कहीं उसकी प्रॉपर्टी बेच के ये प्रॉपर्टी लेने वाला हो, तो यू डोंट नो व्हाट कॉम्प्लिकेशंस मस्ट हैव हैपेंड, ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर लोन, या उसने कुछ प्रोसेस फीस भरी होगी, बहुत कुछ हो सकता है. जहां तक कि सिर्फ एमओयू हुआ है, आई थिंक मीडिएट करके सामने वाले को बिठा के भाई ऐसी सिचुएशन, आई डोंट वॉन्ट टू मूव आउट, ये ले लो भाई 3 लाख रुपया तेरा, बिकॉज इट इज नॉट मनी मेकिंग और एनीथिंग लाइक दैट. Things change. COVID में कई बार ऐसे होता है तो buyers have changed their opinion कि अब नहीं खरीदना क्योंकि अब लोन नहीं मिलेगा. So it is okay if it is a win-win for both and both feel okay, चल ठीक है, मैं भी नहीं खरीद सकता हूँ, तू भी नहीं बेच सकता है, 3 लाख उसको वापस कर दो, मामला सुलझ जाएगा. आपको लगता है इतने आसानी से हो जाएगा ये? क्योंकि जिसने सकता है तो कुछ plans और ज्यादा होंगे इसमें. Like I said, कि हो सकता है उसको उसने किसी और से टोकन लिया हो या समथिंग लाइक दैट, या बैंक से प्रोसेस फी भरी हो, तो ज्यादा से ज्यादा चौधरी साहब को वो उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. ओके ओके, थैंक यू सो मच. गंधा मैम, आपसे अगला सवाल पूछूंगा मैं. ये पेटेंट इंफ्रिंजमेंट के डिस्प्यूट की बात है इसमें, एंड ये शशि पाठक जी ने मुंबई से पूछा है हमें. इनका कहना है कि इनकी कंपनी एक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इन्हें इनके पास पेटेंट है एक ड्रग का. अब उनको उन्हें पता चला है कि एक दूसरी कंपनी है जो इनकी राइवल कंपनी है, और इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया उसी मेडिसिन का जो कि इन्हीं का ड्रग बेसिकली है. तो इनके पास ये पेटेंट का राइट है, जो इनका ऑब्वियसली इनका कहना है कि इन्फ्रिंज हुआ है, तो ये कोर्ट कचहरी के बदले में मीडिएशन से किस तरह से ये कर सकते? ये उन पे डिपेंड, इस चीज पे डिपेंड करता है कि उनको रेमेडी क्या चाहिए. उनको अगर इमीडिएटली चाहिए कि जो प्रोडक्शन हुआ है मेडिसिन का जी, वो ड्रग मार्केट में ना जाए, सेल्स और मार्केटिंग में ना पहुंचे, तो शायद मीडिएशन सेकेंड स्टेज पे होना चाहिए. उनको पहले इंजंक्शन मिलना चाहिए अगेंस्ट द पार्टी हु हैज इन्फ्रिंज्ड to stop the drug from coming into the market. तो ये एक बात है. अगर उनको चाहिए कि उनको compensation मिले, या वो उस दूसरी पार्टी के साथ कोई collaboration करे, या royalty वो पार्टी continue करे drug manufacture करना, लेकिन इनको acknowledge करे और royalty दे, तो वो एक अलग किस्म का remedy है जो वो mediation के through आ सकता है. ऑफकोर्स पहले रेमेडी के लिए भी मीडिएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मीडिएटर के पास ये राइट नहीं होता है कि आप कोई ऑर्डर दूसरी पार्टी को दे. पार्टी अगर अग्री करती है कि हम वो गुड्स मार्केट नहीं करेंगे, दैट्स फाइन. अगर वो नहीं करती है एंड दे गो अहेड विद देयर सेल्स एंड मार्केटिंग, देन उनका जो उसमें इंटरेस्ट है वो डिफीट हो जाएगा. डिपेंडिंग और उनको क्या रेमेडी चाहिए, उनको उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा. राइट, थैंक यू मैम. बजी जी, प्रसाद बजी जी, आपसे ये अगला सवाल है. अक्षय देसाई हैं पनवेल से. इनका कहना है कि इन्होंने, इनका एक ग्राउंड फ्लोर फ्लैट था जो कि एक मिस्टर सुरेश है, उन्हें रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया था, लेकिन उन्हें अभी सोसाइटी से पता चला है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर सुरेश, और उन्होंने अपना ऑफिस वहां पे सेटअप कर लिया है, और जो कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस बेसिकली है, और इन्हें बताया भी नहीं है और ये काम उन्होंने किया है. तो क्या ये अब कुछ सेटलमेंट हो सकता है इसमें? ये सेटलमेंट हो सकता है थ्रू मेडिएशन, क्योंकि इसमें जो 2-3 सेंसिटिव इश्यूज है वो ये है कि टैक्स का एक इशू है, क्योंकि पर्पज जो है रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दिया था, अभी ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं. उसके लिए सोसाइटी का इंटरेस्ट रहेगा कि उसको मेंटेनेंस ज्यादा मिले, कमर्शियल रेट से मिले. दूसरी बात है कि टैक्स जो है वो उस प्रॉपर्टी का हो सकता है, कॉर्पोरेशन रूल के हिसाब से उसको टैक्स भी ज्यादा देना पड़े. यदि वो ये करने के लिए तैयार है, सोसाइटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो सर्टेनली इट कैन गो. इट इज अ वेरी गुड मैटर फॉर द मेडिएशन. जी, जैसा इसमें इन्होंने ये पूछा है और अभी इनको ऑब्जेक्शन आ रहा है कि भाई आप कमर्शियल में यूज कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी अभी इन्होंने तो खैर मेंशन नहीं किया, बट हो सकता है इनका ये भी होगा कि कमर्शियल में कर रहे हो, थोड़ा फाइनेंशियली रेंट वगैरह बढ़ाए वगैरह, इस तरह की भी कुछ बातें हो सकती है. नहीं, वो भी हो सकती है ना. रेंट की तो बात अलग है ही, रेंट का तो मेडिएशन में ये सब चीजें जो उनका जो इंटरेस्ट है एक्चुअली क्या वो चाहते हैं दोनों भी, ये बिल्कुल सम्मुख आ जाएगा.
और मीडिएशन द्वारा इसका हल भी निकल जाए. ओके, दिस इज अ वेरी फिट मैटर फॉर द मीडिएशन प्रोवाइडेड बोथ आर रेडी. राइट, एग्जैक्टली. ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है इसलिए लॉकडाउन के भी काफी सवाल हमें आए हैं. एंड शिल्पा मैम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये कैलाश अमरे जी हैं उलवे से, इनका कहना है कि लॉकडाउन में, और ये आई थिंक बहुत लोग फेस कर रहे हैं और बहुत जगह ये इशू हो रहा है कि इनके टेनेंट है मिस्टर शास्त्री, उन्होंने 3 महीने से रेंट नहीं दिया है एंड ये चाहते हैं कि ये टेनेंट अब खाली कर दे प्रमाइसिस. और टेनेंट का कहना है कि मैं नहीं खाली करूंगा एंड ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हिज बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन. वो कह रहे हैं कि मैं बाद में बिजनेस चालू रखूंगा लेकिन ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये रेंट में नहीं दूंगा. ये किस तरह से सुलझाया जा सकता है? सी, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. कुछ महीने पहले अगर आपने देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग थे कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड रेंट देना है या नहीं देना है. जी. तो इसमें दो है, एक तो देखना पड़ेगा कि उनका एग्रीमेंट क्या है. अगर उनके एग्रीमेंट में लिखा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पेंडेमिक दे हैव टू गिव द रेंट, ठीक है, तो अगर उनको उन्होंने लिखा है तो ठीक है, देना पड़ेगा. बट एक बात हो सकती है कि ये बहुत ही अच्छा मीडिएशन के लिए केस है कि अगर आज ये मीडिएशन नहीं जाते हैं तो पार्टी क्या करेगी, जो लैंडलॉर्ड है वो तो कोर्ट चला जाएगा और एविक्शन का सूट डालेगा. एविक्शन का सूट डालने के बाद में जो बंदा है वो बोलेगा मैं तो यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ. बट जबकि उन्होंने रेंट नहीं दिया है तो कोर्ट भी उसको कंसिडर करेगी कि आप रेंट क्यों नहीं देना चाहते हो, आपकी क्या मजबूरी है, क्या आप इस रेंट को आगे चल के देना चाहते हो. तो ये कोर्ट में जाने के बदले अगर ये किसी भी अच्छे मीडिएटर के पास चले जाए तो ये मसला 1 या 2 दिन में सुलझ जाएगा. कोर्ट में जाएंगे तो ये पुरानी बीमारी हो जाएगी क्योंकि ये तो 10 साल चलेगा मैटर, और फिर इसमें अपील रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला जा सकता है. लेकिन इसमें दोनों के खर्चे हैं, एक तो आपको किसी अच्छे लॉयर के पास जाना पड़ेगा, फिर लॉयर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट का खर्चा प्लस वो खर्चा, तो ये सभी खर्चे को आप अगर एक बार काउंट करें और उसके अगेंस्ट अगर आप देखें कि आप अगर मीडिएशन में जाते हैं तो आप दोनों का रिलेशन भी मिलजुल के रहने वाला हो जाएगा. आज के दिन में क्या मीडिएशन इसमें हो सकता है? वो तो तैयार ही नहीं है कि रेंट देंगे वो. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आज के दिन में रेंट देने के लिए तैयार नहीं है बोल रहे हैं. वो ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं कभी नहीं रेंट दूंगा. नहीं, उनका कहना है कि ये 3-4 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड है, मेरा बिजनेस भी बंद है, मैं ये पीरियड का रेंट नहीं दूंगा आगे. ये पीरियड का नहीं दूंगा. एग्जैक्टली. तो ऐसे वक्त में ये होता है कि जब आप दोनों ही तकलीफ में हो तो बातें नहीं होती, और तभी हम लोग बोलते हैं कि उसको डिस्प्यूट आ जाता है या कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. लेकिन बात ये हो जाती है कि जब वो मीडिएटर के पास जाते हैं तो हम लोग उनसे पूछ लेते हैं कि आप अगर रेंट नहीं देना चाहते तो क्या वजह है, तो फिर वो बोलते हैं कि हमारा इस वक्त बिजनेस बंद है इसलिए. तो लेकिन बिजनेस आपका बंद है हम समझ सकते हैं, लेकिन बंदा क्या बोलेगा कि आपने आपका मटेरियल जो है आपने उसको रखा है वहीं पे, आपने उसको मूव तो नहीं किया है, मतलब यू आर स्टिल इन पोजीशन, करेक्ट. तो ऐसे वक्त में मीडिएटर एक समझौताकार होता है और वो दोनों के बीच में मसला सुलझा सकता है. और आज के दिन में सी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आई कैन गिव यू व्हिच हैव कम टू अस एंड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस हैव टेकन प्लेस. तो एक होता है, एक बोलता है कि आज के दिन मैं नहीं दे सकता और जब तक ये लॉकडाउन है तब तक मेरे को पैसे की बात मत करो. तो दूसरा बंदा बोलता है अच्छा ठीक है आप मुझे पूरा मत दो, आप मुझे 50% दे दो, लेकिन आपने मटेरियल तो रखा है सो यू आर यूजिंग दैट प्रीमाइसेस एज अ वेयरहाउस सो यू कैन गिव मी 50%. या तो फिर आप मुझे ये लिख के दो पोस्ट डेटेड चेक्स कि आज आप नहीं दे रहे हो, अब मुझे 6 महीने के बाद दोगे, बट यू आर गोइंग टू गिव मी सर्टेन अमाउंट वंस यू गेट अ बिजनेस ऑन. और दे विल से कि नहीं मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं दूसरी जगह देखता हूँ, ओके, और 3 महीने के बाद मैं ये वेकेट करता हूँ. सो व्हेन दे आर सिटिंग इन द मीडिएशन, मीडिएशन में बहुत सारे यू नो चॉइस आ जाते हैं, दे हैव गॉट लॉट ऑफ चॉइस. तो यहाँ पे बैठ के हम और आप उनके चॉइस नहीं बोल सकते. सी मीडिएशन ड्यूटी इज द पार्टी कम्स अप विद देयर ओन सॉल्यूशन, हम लोग सिर्फ उन्हें असिस्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं
बट दे कम स्पॉन्टेनियसली विद देयर ओन यू नो सॉल्यूशंस, और वो इतने सारे रहते हैं कि जो हम लोग यहाँ बैठ के या कोई भी आदमी सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेके आते हैं कि अच्छा हमको ये करना है, हम ये करेंगे, और सामने वाला बोलता है अच्छा चलो ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम दे सेटल, उसमें एडवांटेज मतलब ये मिलके मीडिएशन करके एक बीच का रास्ता इसमें से निकाला जा सकता है, और जो फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं उनमें भी वर्कआउट कर सकता हूँ। थैंक यू मैम। आशा आपसे पूछना चाहूंगा, ये रीडेवलपमेंट का इशू है एंड ये प्रीतम पाटिल जी ने पूछा है। इनका कहना है कि इनकी प्रॉपर्टी रीडेवलपमेंट में थी सिंस 2010, और जहाँ पे डेवलपर ने प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर नहीं किया है, और उन्होंने अब तो रेंट देना भी उनको पिछले 3 साल से नहीं दे रहे रेंट को, एंड फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। डेवलपर का कहना है प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है और वो कर भी नहीं सक रहे हैं, तो जब उनको ये अप्रोच कर रहे हैं बार बार, ये तो रेंट भी नहीं दे रहे हैं, अब तो मिलना भी बंद कर रहे हैं, तो ये किस तरह से मीडिएशन में जा सकेंगे? तो इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे उनका जब कोई भी सोसाइटी रिडेवलपमेंट में जाती है जी, तो देयर इज ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जी, जो रिडेवलपमेंट एग्रीमेंट रहता है उसका एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनता है, तो उसमें क्या क्या टर्म्स है क्या नहीं है वो सारे देखने पड़ेंगे। उसमें फिर अप्रोच भी हो सकता है कि चलो अगर ये बिल्डर नहीं है, कोई और है जो ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर सकता है। अभी वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉपिंग द डेवलपर फ्रॉम कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट और नॉट पेइंग द रेंट, मतलब उसको फाइनेंशियल इश्यूज है कि किधर और पैसे अटके पड़े हैं, या उनको मन में इच्छा नहीं है कि नहीं उसको अभी ये लोग अटके पड़े तो अटकने दो। सो अनलेस वी हैव अ कॉमन डायलॉग और लाइक द फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू व्हाट सॉल्यूशन कैन कम आउट। बट यस, थ्रू मीडिएशन दिस कैन वर्क आउट, एंड देयर मे बी वेरियस मेथड्स to get a solution or a resolution to this particular stalemate situation. Right, right, sir. Thank you, sir. Krishna ji, आपके लिए ये सवाल है, ये प्रदीप नायक जी हैं, and इनका कहना है कि इन्होंने अपना फ्लैट वाशी से है, इन्होंने अपना फ्लैट लीवे लाइसेंस पे दिया था मिस्टर दशरथ कोखरे को अक्टूबर 2019 में, और तब से ये टेम्प्रेरी पोजिशन उनके पास है इस फ्लैट का। उसके बाद फरवरी 2020 में कोकरे साहब ने ऑफर दिया कि मैं ये फ्लैट खरीद लेता हूं आपसे, और इन्होंने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया फॉर सेल 1,30,00,000 का। अब उसमें से 40,00,000 का पेमेंट हो चुका है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एज अ पार्ट पेमेंट। अब सिचुएशन ऐसी है कि कोकरे साहब जो है ये ना घर खाली कर रहे हैं और ना बैलेंस अमाउंट दे रहे हैं, ना रेंट दे रहे हैं, ऐसे में अभी प्रदीप नायक साहब क्या कर सकते हैं? सर, रेंट भी नहीं दे रहे हैं और बैलेंस पैसा भी नहीं दे रहे हैं जी, बिल्कुल नहीं। ओह गॉड, ये टिपिकल लॉयर वाला केस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का है, इसलिए ये मीडिएशन में पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये केस गया कोर्ट में तो फिर सालों साल लग गया, तो फिर ऐसे ना। लेकिन लेकिन कई बार, एज गंधा राइटली सेड, कि कई बार आपको ना पहले ही मीटिंग में वो बोलेगा मैं तो इस प्रॉपर्टी में बैठा हूँ, नहीं दूंगा, जा क्या करेगा। सो बिफोर मीडिएशन कई बार जरूरी होता है कि तुम कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करो, और सामने वाले को पता चले यार अब तो कोर्ट में गया, तब प्रेशर में आके बंदा मीडिएशन के लिए बैठता है, सामने वाला कोकरे जो है बंदा, वो ये सोचेगा यार अभी कोर्ट से तो या तो मुझे निकाल देंगे या तो मैं टाइम ले लूं और थोड़े थोड़े पैसे करके इसको दे दूं। सो दिस मैटर कैन बी मीडिएटेड बट एट अ सेकेंड स्टेज। अब ऐसी सिचुएशन में लाइक शिल्पा सेड की ऑप्शंस बोले तो ना, वी टेक कॉकस सेशंस 1-to-1, कोकरे से जब हम मीडिएशन में बैठेंगे तो उससे बात करेंगे, देख भाई कोर्ट में गया तो तेरे खिलाफ ऑर्डर तो आना ही है, तेरे को शायद इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। और जबकि हम दशरथ को ये बताएंगे, अकेले में उसके साथ बात करेंगे तभी कि देख भाई तेरा हाथ पत्थर के नीचे है, खींचेगा तो लगेगी तुझे, क्योंकि तेरा घर तो तेरे पास है ही नहीं और पैसे भी उसने देने हैं। अब वो कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा, सो इस सब सिचुएशन में वी ट्राई टू टेल बोथ ऑफ देम, अ नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन डेविल, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव, लाइक शिल्पा सेड दे कम अप विद ऑप्शंस, अच्छा मैडम इसको खाली करने मत बोलो लेकिन कम से कम पैसा देने बोलो, जब तक पूरा पैसा नहीं देता है तब तक रेंट देने बोलो, सो सच काइंड ऑफ ऑप्शंस दे कम अप विद, सो वी जस्ट गाइड देम, इट इज अ मैटर वर्थ टेकिंग अप इनटू मीडिएशन, बट after the second stage, the first stage has to be court and
sometimes you have to go to the court and then second stage comes mediation. Right, मतलब एक message देना बहुत जरूरी है कि भाई we are very serious about it. अगर आप mediation नहीं कर रहे हो तो हमारे पास दूसरा legal course available है. Sir, mediation कैसे? It's a voluntary process. मतलब both of the parties should be in a position to or want to have that want of resolving the dispute rather than dragging it. जी, बिल्कुल sir. Also, they have to consider the limitation. See, in this particular case, the way she said, they have to consider first what is the limitation period, when they agreed, and whether the time was an essence of contract. So many things they have to consider. So if they do not consider and they go for the mediation, it is not going to say that, okay, your time limitation is being, you know, stopping. No, limitation will not stop once the time starts running. Right. So ye balance is tarah se karna bahut zaruri ho ja raha hai. शिल्पा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेता हूं मैं ये एपिसोड में के ये मिसेस मेरी कुरियन है कोपर खैरना से, 78 इयर्स ओल्ड लेडी हैं और बहुत दुख का उनका सवाल है एंड अनफॉर्चुनेटली आजकल काफ़ी फैमिलीज में हमें ये देखने मिल रहा है. इनका कहना है कि इनके जो छोटे बेटे हैं और उनकी वाइफ है वो इनके साथ में रहती हैं, फ्लैट जो है हस्बैंड के नाम पे है. एंड अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैडली इनके जो बेटे हैं और बहू है ये इन्हें काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं कि ये जो फ्लैट है जो हस्बैंड के नाम पे वो सिर्फ उनके नाम पे ये ट्रांसफ़र कर लें. और इनके शौहर फिलहाल ऑफकोर्स नहीं है एंड इनकी एक पर्सन डिसेबिलिटी जो कहते हैं उनकी बेटी है फिजिकली चैलेंज्ड है जो करीब 40 साल की है उनके साथ ही रहती हैं. अब बेटा बहू इस तरह से कर रहे हैं, इनफैक्ट इनको किचन यूज नहीं करने दे रहे हैं, कुक करने नहीं दे रहे हैं, बाथरूम यूज करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो ये चाह रही है कि भाई इनको घर से निकाल दें. किस तरह से इनकी मदद की जा सकती है? ओके, सो दिस कैन बी हैंडल टू वेज. ओके, वन इज एज वी आर मीडिएटर्स वी वुड लव टू डू इट इन अ मीडिएशन वे सो दैट दे अंडरस्टैंड दे सेटल और वो दोनों आपसी सामंजस्य से, क्योंकि माँ है, बुढ़ी माँ है और बहन तो खुद की है. Right. तो ये समझ के वो दोनों अपने आप में एक पार्टीशन बना दे, वो कर सकते हैं. Okay. या तो फिर अगर बेटा अगर सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सबसे पहले अच्छा तरीका इनके लिए ये है कि दे कैन गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. तो आज के जमाने में अगर आप देखे जाए तो सीनियर सिटीजन के लिए एक कानून है जी. और उस कानून में बहुत अच्छे प्राविधान है कि जो उनको सिक्योर करते हैं. Okay. So all senior citizens are protected under this law. तो अगर वो चले गए तो वहां पे जाने के बाद भी even police station, you'll be surprised, but these days police stations have changed. Okay, police station के अंदर भी एक mediation center होता है. जी. Okay, they have got their officers who are trained. और वो क्या करते हैं कि वो बेटे को बुलाएंगे और बोलेंगे देखो क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप माँ के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो या आप आपकी बहन के साथ ये क्यों कर रहे हो, आप अगर ये प्रॉपर्टी चाहते हो तो इसकी वैल्यूएशन निकालो. अभी आपने जो कहा है वो हिसाब से ये जो 78 ईयर ओल्ड लेडी है और इनकी जो बेटी है उनका 50 1/3 1/3 करे तो 2/3 शेयर बनता है. तो दे कैन वैल्यूएट दैट प्रॉपर्टी एंड दे कैन देयर कैन बी अ सॉल्यूशन दैट दे सेल द प्रॉपर्टी and take 2/3 of that and then give 1/3 to the son and then they can tell the son that okay, your share is what, your 1/3, right? You take your 1/3 and go and stay wherever you want and this lady can stay in any, you know, there are so many places nowadays, different type of ashrams are there. Gee. No more those olden days ashrams, they are very good places where she can go with her daughter and then she can say, okay, this is what we have come from with. So they have to deposit certain money and right. they will be able to live very happily. Or they can make the son understand that, देखो अगर झगड़ा होगा तो the way Krishna said कि इसमें सब कुछ टूट जाएगा. right. अगर आप तोड़ना नहीं चाहते हो, आप बनाए रखना चाहते हो तो कुछ साल के लिए आपको आपकी माँ को देखना पड़ेगा, उनको इज्जत देनी पड़ेगी एंड यू कैन नॉट टॉर्चर देम, यू कैन नॉट बी बैड टू देम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर द मदर द यू नो स्पेशली एबल्ड डॉटर जो है जो सिस्टर है उनके लिए कुछ प्रोविजन करना पड़ेगा. सो दिस कैन हैपन ओनली एंड ओनली अंडर द मीडिएशन बोथ ऑल द थ्री पार्टीज. नाउ नेचुरली द 40 ईयर ओल्ड इवन इफ शी इज सीनियर बट शी हैज टू बी अंडर द कस्टडी ऑफ द मदर. सो शी इज टेकिंग केयर सो शी कैन साइन ऑन हर बिहाल
एंड दिस कैन बी नो सेटल. ओके, सो सैड कि अपने ही पति का शौहर का घर है लेकिन अभी बच्चों की मोहताजी है. दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. बहुत आजकल अनफॉर्चूनेटली बहुत सुनाई दे रहा है इस तरह के. आई डोंट नो, जो कलयुग कहते हैं ये शायद इसी को कहते हैं. एंड जेडी जी, ये कलयुग नहीं है, ये लोगों की ना समझ है. बिल्कुल सर. लोग जो भावना के वश में आकर कुछ निर्णय करके बैठते हैं कि अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया है उसके नाम पे सब कर देते हैं, तो फिर ये हालत उनकी आती है. इसलिए हम नहीं है इस केस में, किया नहीं है, वो ही कोर्स कर रहा है. लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि माँ बाप नाम पे कर देते हैं और वहीं पे नाम पे कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं. बिल्कुल. Once again, only one option I can give you to all the viewers. I can say that when you are crossing your 40 and 50, it is better to execute one mirror reflection we call will. जी. इच्छा पत्र, इच्छा मृत्यु पत्र जिसे बोलते हैं, कि जब तक आप हो तब तक आपके पास सब कुछ रहेगा, आपके बाद में आपके स्पाउस के पास रहेगा और स्पाउस के बाद में वो फिर जैसे आप देना चाहते हो वैसे कर दो. तो एक वो एक बहुत ही अच्छी बात है. तो आपको वो रजिस्ट्रेशन में ज्यादा खर्चा भी नहीं है अगर आप पहली बार जा रहे हो और रजिस्ट्रेशन कर रहे हो. तो दिस पीपल कैन गो एंड दे कैन डू द रजिस्टर्ड विल. इवन दिस मदर, शी कैन डू दिस रजिस्टर्ड विल फॉर हर टू प्रोटेक्ट हर डॉटर. जी जी, ठीक है. वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम. इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा अगर डाइवर्स भी कर लूं तो कृष्णा जी, ये जो बात अभी की है कि एक विल कर ले विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और अक्सर नहीं होता है एंड लोगों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है. वेरी ब्रीफली, स्पेशली क्योंकि ये इस तरह के केसेस हमें बहुत जगह पे सुनाई दे रहे हैं, तो ये विल का बहुत अगर ब्रीफली आप बता देंगे क्या कर सकते. ये मेरी प्रॉपर्टी है 1, 2, 3, ये मेरे बच्चे हैं 1, 2, 3, मेरे बाद मेरी बीवी, शी हैज अ फुल राइट टू स्टे इन द हाउस ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. उसके बाद में द हाउस इज माइन, अल्टीमेट बिक्विथ आई वॉन्टेड टू गो लाइक दिस. ये सिंपल होता है विल. मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइदर और सर्वाइवर. आपको आपके स्पाउस का नाम, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड का, आइदर और सर्वाइवर बैंक्स एफडीज में डाल के रखो. करेक्ट प्रसाद दादा? बहुत जरूरी है बिकॉज बैंक रूल्स आर डिफरेंट एंड प्रॉपर्टी रूल्स आर लिटिल डिफरेंट. प्रॉपर्टी में अगर आप नॉमिनी करते हो तो नॉमिनी इज ओनली द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट द ओनर आफ्टर द पर्सन डाइज. देयरफॉर लाइक शिल्पा सेड की आप विल करके जाओ. लाइकवाइज अगर बैंक एफडीज वगैरह है, आइदर अ सर्वाइवर को ही जाएगा तो आपकी स्पाउस को मिल जाएगा वो. सो विल अगर आप रजिस्टर करते हो तो डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं, कंटेस्ट कम होता है, नोटराइज भी करो तो भी चलता है. सो यस, इफ यू हैव मेनी प्रॉपर्टीज एंड मेनी चिल्ड्रन एंड यू नो होम टू गिव व्हाट एंड यू डोंट वांट देम टू फाइट, यू मेक अ विल. राइट, थैंक यू सो मच. हम मेरे ख्याल से एक एपिसोड खास तौर से इस पे भी करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है. फिलहाल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सवाल अभी भी बहुत बाकी है, बट आई एम श्योर हम नेक्स्ट एपिसोड में और सवाल ले लेंगे और जो हमारे व्यूअर्स का आए उनको निराश होने की जरूरत नहीं, जो इस बार नहीं पूछ पाए हम अगले एपिसोड में आ जाएंगे. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वंस अगेन बहुत ही क्रिस्प एंड टू द पॉइंट आंसर्स के लिए. आई एम श्योर हमारे जो क्वेश्चनर्स है और ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछे सिर्फ उन्हें नहीं, बाकी भी जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा. थैंक यू सो मच. आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, हमारे व्यूअर से फिर से मुलाकात होगी अगले हफ्ते अगले एपिसोड में. थैंक यू, नमस्कार. सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़.